राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षाध्यक्ष और तीनों सेनाध्यक्ष के साथ लद्दाख की स्थिति पर की चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,665। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने का केंद्र से किया अनुरोध। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहीद के परिजनों से की मुलाकात। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के साथ आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 4.25 लाख से अधिक हो गया है। राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर लगभग 56% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 2,37,196 मरीज रोग मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,665 हो गई है। कल 21 जिलों में 162 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं 3 और संक्रमितों की मौत की भी पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। राज्य में बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 5,631 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लॉकडाउन से लेकर अब तक 7,61 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया है। सांसद और विधायक कोष से चलाई जाने वाली योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग ने प्रवासियों के बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। श्री कुमार ने कहा कि इससे समाज पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि नियम और अधिनियम में अस्पष्टता के कारण समाज में स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से दिखाए जाने वाले अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए पटना जिले के बेटा के जवान सुनील कुमार के परिजनों से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि देश को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने आज पटना स्थित आवास में जाकर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि एक छोटे इलाके से निकलकर किसी कलाकार का मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस प्रकार से सुशांत सिंह की मौत हुई है वो कई प्रकार के सवाल पैदा करती है। सितारा खोया है और आज पूरा वर्ल्ड सिनेमा सुशांत के ऐसे जाने से स्तब्ध है। कई सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों को हम सब भी कहीं न कहीं उसमें सत्यता पा रहे हैं कि एक जब छोटे शहर का व्यक्ति बॉलीवुड में जा कर के अपनी पहचान बनाता है तो उसमें बहुत सारे संकट हैं। हम सब भी उससे गुजरे हैं, हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थीं, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आपको एक जानकारी देते चलते हैं, इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है, इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार डीटी न्यूज। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DTNewsBihar पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। बात करते हैं मॉनसून की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब भी सक्रिय है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 25 जून तक वर्षा के आसार बने हुए हैं। वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विभिन्न जिलों से कटाव की भी खबरें आ रही है। संभावित बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को लगातार निगरानी बरतने का निर्देश जारी किया है। पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहां कई गांव महानंदा, परमान और कनकई नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, इस कारण बाढ़ के खतरे के साथ साथ कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथी बंधा गांव में परमान नदी के किनारे पहले किए गए निरोधक उपाय विफल हो गए हैं, इस कारण हाथी बंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। अभी तक कई घर कट भी चुके हैं। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसी बंगामा पंचायत की भी है। यहां भी कटाव शुरू हो चुका है। यहां के लोग कटाव की स्थिति को देखते हुए रद जगह करने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि कब्रिस्तान भी कट गया और इस गांव का लोग काट काट करके फिर भाग गया, फिर नदी काटा। उसके बावजूद जब जगह नहीं मिला तो कोई बायसी चला गया, कोई कुमरवा घुस गया, इस तरह का घटना हो रहा। कोई भी MLA MP है आता है, देख लेता है, कहता है हम कर लिए। अब समय जब आता है, बाढ़ का पानी आएगा तो कुछ नहीं होता, सबका घर कटता है। ये यहाँ का नीति है। यहाँ कटान चालू हो गया है और बारिश का टाइम है, पानी भी बढ़ रहा है और सब दहशत में है। यह हाथीबंधा गांव है, बायसी से सटा हुआ है, बायसी पंचायत है और कोई किस्म का प्रशासन या सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हाथीबंधा पंचायत के मुखिया ने कटाव की बाबत बताया कि हर वर्ष कटाव निरोधक कार्य होता है, लेकिन काम ठीक से ना होने के कारण कटाव की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी ये है कि ये गांव हाथीबंधा है, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 हाथीबंधा में पड़ता है और ये दोनों वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब पानी जो है नदी में थोड़ा सा ऊपर आता है तो कटाव शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं, घर भी कट करके गिर जाता है और सारे लोग परेशान रहते हैं। और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आदि हो चुके बायसी अनुमंडल की जनता बारिश की शुरुआत में ही नदी के रौद्र रूप का सामना करने पर मजबूर है। अगर यहां तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किए गए
तो काफी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया से जेपी मिश्र की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश की सभी पंचायतों में किसान चौपाल लगाया जाएगा। इसका आयोजन 1 से 15 अगस्त तक होगा। इस कार्यक्रम पर 9.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि किसान चौपाल के दौरान कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री के इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को 125 दिन काम मिलने से कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। श्रमिक को साल में 125 दिन काम देने का इस योजना में प्रावधान रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर पौधे भी लगेंगे और जो काम बचे हैं सब काम गरीब कल्याण अभियान के तहत किया जाएगा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को हम अपनी ओर से, ग्रामीण विकास के तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण रोजगार योजना से प्रदेश के कामगारों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। नवादा जिले में लॉकडाउन के कारण बाहर से लौटकर आए कामगारों ने बताया कि इस योजना से स्थानीय स्तर पर नए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे हम लोगों को राहत मिलेगी। तो जी सरकार जी बहुत हम लोग खुश है कि घर पहुंच गए हैं, कोई रोजगार इधर में दे देंगे योजना वाला, तो हम लोग बहुत अच्छे रहते हैं। सर मोदी जी रोजगार चालू किए हैं और रोजगार हम लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपको धन्यवाद देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाध्यक्ष के साथ लद्दाख स्थिति पर की चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,665। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने का केंद्र से किया अनुरोध। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहीद के परिजनों से की मुलाकात।